डॉक्टर शलभ बंसल, रेडियोलॉजिस्ट जो 20 वर्षों से हेल्थ केयर में एक सुप्रसिद्ध नाम है, जिन्हें देश व विदेश में क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग करने का अनुभव प्राप्त है, और अपने इसी अनुभव और एक्सपर्टीज के साथ डॉक्टर बंसल लेकर आए हैं एक स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक सेंटर। बड़ों को मशीनों द्वारा उत्पन्न अत्यधिक शोर से होने वाली दिक्कतों जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया व एंग्जाइटी को ध्यान में रखते हुए हमने एक हाईटेक ऑडियो विजुअल MRI सिस्टम लगाया है। टेस्ला इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर। गैंगस्टर एक्ट में निरुद्ध और पुलिस हिरासत से फरार तरुण ठाकुर उर्फ काला ठाकुर उर्फ अभिषेक ठाकुर को पुलिस ने बुधवार को गिरफ्तार कर लिया। तरुण काला पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित था। तरुण ठाकुर शास्त्री नगर के 1920 का निवासी है। वह वर्तमान में प्रीत विहार जयदेवी नगर थाना नौचंदी में रह रहा था। आज SOG की टीम ने उसे नौचंदी ग्राउंड से गिरफ्तार कर लिया। इस बारे में SSP रोहित सजवाण ने यह जानकारी मीडिया को दी। थाना दिल्ली गेट के अंतर्गत एक अभियुक्त तरुण ठाकुर उर्फ काला ठाकुर को गिरफ्तार किया गया। ये जनवरी के अंतिम सप्ताह में थाना कोतवाली सिविल लाइन से गिरफ्तार हुआ था। उसके बाद ये मेडिकल के लिए जब जिला अस्पताल ले जाया जा रहा था तो वहाँ से ये फरार हो गया था, और इसके बाद इसकी लगातार ही पुलिस के द्वारा धरपकड़ की जा रही थी। और इसमें इसके ऊपर पूर्व में मेरे द्वारा 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था, जिसमें कि लगातार प्रयास करने के बावजूद भी जब ये गिरफ्तार नहीं हुआ तो इसके इनाम की जो राशि है वो बढ़वाकर रेंज स्तर से 50,000 रुपये करवा दी गई थी। और इसमें जो अभियुक्त है उसको गिरफ्तार किया गया है। इसके पास इसके ऊपर कम से कम 6 से अधिक मुकदमे पंजीकृत हैं। गैंगस्टर एक्ट के तहत भी ये वांछित चल रहा था, और इसमें ये पुलिस कस्टडी से फरार है, उसका भी मुकदमा दिल्ली गेट के अंतर्गत इसमें पंजीकृत कराया गया था। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए FirstByte.tv। नमस्कार।